हेलो एवरीवन, कैसे हो? मेरा नाम पुष्पिंदर, आप देख रहे हो पेंटेक। तो आज हम बनाने जा रहे हैं यूएसबी सोल्डरिंग आयरन। हाँ दोस्तों, ये डीसी 5 वोल्ट किसी मोबाइल चार्जर से ये चल जाएगा, तो आप चाहो तो इसे घर पर बना सकते हो। ये 100% वर्क करता है। और दोस्तों, इसे बनाने में आपको एक भी पैसा नहीं लगेंगे, क्योंकि ये घर में पड़े वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से बन जाएगा। तो हो सके तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम ले लेते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको एक रजिस्टर लेना है, जो आपको 1 ओम से 10 ओम का बीच लेना है। ये आपको किसी भी पुराने सर्किट से मिल जाएगा। एक और डायोड, ये भी किसी पुराने सर्किट से मिल जाएगा। और एक मेटल का पाइप इस तरह का, ये भी आपको घर में पड़े किसी चीज़ से मिल जाएगा, या आप चाहो तो हार्डवेयर का दुकान से भी खरीद सकते हो बहुत ही कम दाम में। और एक इस तरह के लकड़ी का टुकड़ा, जो इस तरह से बीच में से होल हो, होल वाला नहीं मिले तो आप ड्रिल से भी होल कर सकते हो। और इस तरह का 2 छोटा वायर, ये भी आपको घर में मिल जाएगा। और एक डाटा केबल, जो आपको घर पे मिल जाएगा किसी पुराने चार्जर से। तो बस इतना ही मटेरियल चाहिए। तो चलिए आप आयरन को बनाते हैं। पहले आपको रजिस्टर की दोनों तरफ वायर से जोड़ना है। और एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर आपको 5 वोल्ट से चलना है तो इस रजिस्टर को 1 से 10 ओम का बीच लेना होगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो दोस्तों चलो इसे फटाफट जोड़ लेते हैं। एक और बात दोस्तों, इसे सोल्डरिंग नहीं करनी है, क्योंकि इसे सोल्डरिंग आयरन बना रहे हैं तो ये हीट से पिघल जाएगा सोल्डरिंग। आपको वायर को अच्छी तरह से कस देना है। मैं तो फिलहाल हाथ से कर रहा हूँ, आप और भी अच्छे से करने के लिए प्लायर या चिमटी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इसे इस तरह से मोड़ना है और प्लायर का मदद से नुकीला कर देना है। तो दोस्तों दूसरी तरफ भी सेम तरीके से वायर को जोड़ना है। और इस सोल्डरिंग का रॉड को इस तरह से कस देना है वायर के ऊपर। तो दोस्तों रजिस्टर को आपको इस तरह से जोड़ लेना है। और दोस्तों आपको 2 फाइबर स्लिप लेना है, जो मैं पहले बताना भूल गया, और ये बहुत जरूरी है। ये भी आपको पुराने किसी सर्किट से मिल जाएगा। तो इसे रजिस्टर का दोनों वायर के ऊपर इस तरह से चला देना है। स्लिप को लगाना है, क्योंकि वायर का जो कवर है वो बहुत जल्दी पिघल जाएगा और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो इसलिए ये स्लिप चलाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से चला लेंगे। तो फ्रेंड, आपको इस तरह से पाइप के अंदर इसे डाल देना है पीछे से। और ये डालने के बाद रजिस्टर को इस तरह से पाइप के अंदर फिट कर देना है। देखो ये टाइटली बैठ गया, टाइटली बैठना भी चाहिए क्योंकि ये सोल्डरिंग का आगे का हिस्सा है। अब चलो डायोड को लगा लेते हैं। आप डायोड को दोनों वायर में से किसी एक पर लगा सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर डायोड का जो कैथोड है यानी नेगेटिव, उस तरफ जोड़ना है। आप चाहो तो डायोड को नहीं भी लगा सकते हो, इसे सोल्डरिंग आयरन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, यानी हीटिंग का कोई इशू नहीं होगा। मैं तो फिलहाल मोबाइल चार्जर की सेफ्टी के लिए लगा रहा हूँ, आप भी हो सके तो लगा देना, इससे आपका मोबाइल चार्जर बिल्कुल सेफ रहेगा।
तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो जो लाइक कर देना, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना, और अगर आप इस चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रोज़ डालता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी और टॉपिक पे। बाय बाय।